जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। दोस्तों जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, हम खुशियाँ ढूंढते रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये इच्छा पूरी होगी तो हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है हम दूसरी इच्छा के बारे में सोचने लग जाते हैं और दूसरी इच्छाएँ जागृत हो जाती हैं। इच्छाएँ हैं कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, तो हम असंतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास अभी तो बहुत समय पड़ा है आत्मसंतुष्टि के लिए, आध्यात्म के लिए, क्योंकि हम अपने घर गृहस्थी, अपने परिवार को पालने पोसने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं होता आध्यात्म के लिए। लेकिन हम चाहते तो हैं पर कुछ करते नहीं है आध्यात्म की राह पर चलने के लिए। तो दोस्तों आत्मा चैनल आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा है जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आध्यात्म की राह पर चल रहे हैं, जो एक सफल बिजनेसमैन तो हैं ही, इन्होंने अपने बिजनेस को एक नया आयाम तो दिया ही है, साथ में एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं और मेडिटेशन टीचर हैं। मैं और क्या बोलूं इनके बारे में, जितना भी मैं बोलूं उतना ही कम है। तो बिना कोई समय गवाए आइए हम मुलाकात करते हैं मोक्षा अजय जी से। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मा चैनल पर। नमस्कार जी, आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोक्षा अजय जी, ये आध्यात्म है क्या और आपका आध्यात्म की तरफ रुझान कैसे हुआ? पहले तो विनीता जी, मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं और जो अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं। अध्यात्म जैसे पूजा पाठ या ध्यान ही नहीं, सिर्फ अध्यात्म अपने जीवन को एक नई दिशा देने का भी नाम है कि हम जीवन में कितना अपने ईश्वर पर विश्वास, श्रद्धा, भक्ति ये सब लेके चलते हैं और कितना हम समर्पण करके चलते हैं कि मैं अपने जीवन में करता नहीं हूँ, जो भी है वो सब मेरे जीवन में हो रहा है और करने वाला वो मेरा ईश्वर ही है। जब हम ये सब अपने जीवन में लेके चलते हैं तो फिर हम अध्यात्म के रास्ते पे बहुत मजबूती से चलने लगते हैं। तो आपका अध्यात्म की तरफ रुझान कैसे हुआ? इसके लिए मुझे अपने थोड़े अतीत में जाना पड़ेगा कि जो मैंने बचपन से एक गरीबी और अमीरी के जो दोनों पहलुओं से निकला हूँ, धन की अधिकता और कमी दोनों का अनुभव किया है, तो फिर धन के उपयोग और दुरुपयोग को भी मैंने अपने जीवन में बहुत गहरे से देखा है। तो फिर जैसे जैसे धन की अधिकता से जीवन में जो विकार आते हैं उन विकारों से निकलकर उसकी व्यर्थता देखकर, तो फिर मन में यही क्वेश्चन आते थे कि मैं इस धन के लिए तो नहीं इस संसार में आया, मैं कुछ अपनी इच्छाएं या कामनाएं पूरी करने के लिए तो इस संसार में नहीं आया। तो जो भी प्रश्न संसार से रिलेटेड आते थे तो भीतर से ना ही निकलती थी। फिर ये प्रश्न आने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, कुछ तो पर्पस होगा मेरा यहाँ आने का। फिर जैसे जैसे इन प्रश्नों की खोज में मैं भीतर और चलता गया तो फिर मैंने जाना कि मेरा जो रुझान है वो अध्यात्म की ओर बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर मैं ऐसे अध्यात्म को और चलता गया, अपनाता रहा अपने जीवन में। तो जैसे आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, आपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक आप लेकर गए हो, तो ऐसे में कठिनाइयां नहीं आई आपको अध्यात्म के रास्ते पर चलने में? देखिए, हर व्यक्ति के दो संसार हैं, एक बाहर का संसार और एक भीतर का संसार। तो हमें दोनों संसार में अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि बाहर रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार, धन, पद, प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान सब चलता रहता है, और वहीं भीतर आपके विचार हैं, आपके भाव हैं, आपकी आत्मा की आवाज़ है, वो सब आपको वो भी संकेत देती रहती है। तो अगर हम सिर्फ बाहर के संसार की चकाचौंध में ही उलझ जाएं तो फिर जीवन वो भी संपूर्ण नहीं है, या फिर हम बिल्कुल ही अपने भीतर के संसार में आ जाएं और परिवार का त्याग कर या हम अपनी जिम्मेवारियों से विमुख होकर हम उस ओर चले जाएं तो वो भी संपूर्ण नहीं है। तो यहाँ सबसे बढ़िया जो जीवन है अध्यात्म का कि आप बाहरी संसार में भी अपना रोल बखूबी निभा रहे हो और भीतर अपने आप को आप केंद्रित, अपने जो सेंटर्ड है उस पर आप बिल्कुल टिके हुए और अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हो। तो फिर जब दोनों में जब आप बैलेंस नहीं कर पाते तब जीवन में कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन जब आप अडिग रहते हैं तो फिर आपका एक कदम और ईश्वर फिर आपको बाकी सारे कदमों से संभाल लेता है। तो
इस आध्यात्म के रास्ते पर चलने में आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ, सबसे पहले तो जो परिवार है, जो मेरे समाज में जो भी लोग आसपास हैं, पहले तो उनके लिए मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि ये तो हमारे साथ संसार में चल रहा था पूरा हर चीज़, फिर अब ये इसका ऐसे यू टर्न कैसे हो गया। तो पहले तो वहाँ देखना पड़ता है, फिर भीतर अपने भी कन्फ्यूज़न आती रहती है कि मैं सही राह पे चल रहा हूँ या नहीं, क्या मुझे चलना चाहिए या नहीं। फिर जैसे जैसे आप संसार की व्यर्थता और अपने भीतर जो आपको मिल रहा है, जो शांति आनंद आप महसूस करने लगते हैं, तो फिर जब आप उसको ध्यान से देखते हैं, चूज़ करते हैं कि मुझे किस मार्ग पे जाना है, वो फिर आपको अध्यात्म में और गहरे में ले जाता है। तो फिर ठीक है, कठिनाइयाँ तो जीवन में हिस्सा है, लेकिन उन कठिनाइयों से हम कैसे निकल जाते हैं ये आपकी आप पे डिपेंड करता है। कि आप कठिनाइयों को कैसे फेस करते हैं? हाँ, कठिनाइयों को कैसे फेस करते हैं और दूसरों को भी आप सेटिस्फाई रखते हैं कि उनको भी बहुत ज़्यादा महसूस ना हो कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या उनकी अपनी जिम्मेवारियाँ नहीं निभा रहे हैं। तो आज मैं कह सकता हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट है, बाहर भी जो मेरा रोल है संसार में वो भी मैं बखूबी निभा रहा हूँ, और अध्यात्म पे भी मैं अपने रास्ते पे बिल्कुल मजबूत होकर। आज हमें एक क्वालिटी और जानने को मिली कि आप एक अच्छा बैलेंस लाइफ में आपने बना के रखा है। मुझे लगता है ये अध्यात्म का सबसे बेहतर और सुंदर पार्ट है कि आप अपने जीवन को कैसे बैलेंस लेके चलते हो। हमने सुना है कि आप अध्यात्म के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ जी, वो जर्नी टू मोक्ष है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं बहुत लंबे समय से ध्यान में और अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा हूँ, और अपने सभी विकारों बुरी आदतों से मैं बाहर होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो फिर मैं अब आसपास के लोगों को देखता हूँ, आप न्यूज़ चैनल को देखें या न्यूज़पेपर को देखें, कि एक स्वार्थ और लालसा जो है हर तरफ हमें दिखती है, एक क्योस सा दिखता है। और सबसे जो आज एक मुश्किल भरा समय भारत के लिए, अगर मैं कहूं कि प्रसन्नता के क्षेत्र में भारत बहुत पिछड़ता चला जा रहा है, वो 90 के स्थान से अभी मेरे ख्याल से 150वें स्थान पर आ गया। अच्छा। और उदासी के क्षेत्र में नंबर एक पे आ गया है। तो अभी जो कंपैरिजन, जो कंपटीशन का जैसा भी जो स्ट्रेस लेवल स्पेशली यूथ में चल रहा है, तो अब वहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो जर्नी टू मोक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ हम लोगों की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलते हैं, उनके स्ट्रेस लेवल को हम बिल्कुल एक चाम में लेके जाते हैं, जहाँ ज़िंदगी जीने का उनको पता चले कि जीवन को कैसे जिया जाता है। उसमें कुछ ब्रीदिंग प्रोसेस है, मेडिटेशन है, उसमें हम कन्वर्सेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और फिर बहुत सी और मस्ती वाली ऐसे प्रोसेस है जिससे वो अपने उस जो घुटन या जो स्ट्रेस के वातावरण से अपने आप को निकाल कर एक ऐसे जीवन में चले जाते हैं जहाँ फिर जो चैलेंजिंग होते हैं उनको बड़ी बखूबी से वो निभा कर आगे निकलते हैं। तो जर्नी टू मोक्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, कॉरपोरेट जगत के लिए और आम लोगों के लिए, कि उसको कैसे जीवन पे अच्छे जीने की राह पर ले जाया जा सके। अजय जी, जो आपका नाम था पहले अजय अरोड़ा और अब आपका नाम है मोक्षा अजय, तो इस नाम के पीछे क्या राज? नहीं, मेरा आज भी नाम अजय अरोड़ा ही है, मेरे पासपोर्ट में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे बिजनेस में। हाँ जी। अध्यात्म के क्षेत्र में मैंने अपना नाम मोक्षा अजय रखा है, वो भी इसलिए कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे एक साधु होते हैं वो भगवे वस्त्र को धारण करते हैं। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि भगवे वस्त्र पहनने से ही जीवन में साधुत्व आता है। साधु तो मन से होते हैं हम, लेकिन वो जो वस्त्र हैं वो एक संकेत देते रहते हैं उनको कि उनका पथ क्या है, उनका मार्ग क्या है, तो वो एक उनको याद दिलाते रहते हैं। ऐसे ही जो मोक्षा है वो मैं अपने लिए ही रखा है कि जो मुझे हमेशा ये संकेत देते रहते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है वो जीवन में वो मोक्ष की तरफ है, क्योंकि ये जीवन
मुझे नहीं मालूम कि किस लिए मिला है, और ऐसे ही मैं इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहता। तो इसीलिए अब पूरा है कि इस जीवन में रहते रहते मुझे मोक्ष की तरफ निकल जाना है। तो ये मेरे लिए तो सहायक है ही, और मुझे लगता है ये दूसरों को भी संकेत देता है कि वो भी जिस मार्ग पे चल रहे हैं, वो भी जीवन में उनको जहाँ चलना चाहिए, तो वो उनके लिए भी सहायक हो सकता है ये नाम। ओके, तो आपको हमेशा आपका नाम आपको याद दिलाता रहता है कि मैं किस पथ पे हूँ और मुझे इस पथ पर टिके रहना है। बिल्कुल, तो मुझे आप ये बताएं कि अध्यात्म का जो मार्ग है, जो रास्ता है, क्या वो सच में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इस पे बहुत कम लोग चल पाते हैं? नहीं, देखिए अब इसको ना समझना पड़ेगा थोड़ा। हम जैसे कहते हैं कि हम पीछे से ट्रेवल कर रहे हैं, हमारे पहले भी जन्म हो चुके हैं इस पर हिंदू मैथोलॉजी। हाँ जी, तो उन सब के अनुभव, जैसे जिसको संस्कार कहते हैं, या भीतर हमारे जो इम्प्रेशंस प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं, वही हमारे जीवन में आदतें बन जाती हैं, वही हमारे जीवन को आगे चलाती हैं। तो ये जो हमारा नाता हमारी ही प्रवृत्तियों से, हमारी ही संस्कारों से जो जुड़ा हुआ है, जब हम इनको सुधारने की तरफ चलते हैं, बुरी आदतों को छोड़ने की तरफ चलते हैं, तो फिर ये हमें भीतर थोड़ी काफ़ी एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पीछे का जगत है वो हमें पीछे की ओर खींचता है। लेकिन हम आए तो हैं आगे अध्यात्म में, एक डिफरेंट दुनिया में जाने के लिए, तो जब ये खींचता है और वो आगे की ओर है, तो इस खींचातानी में हमारे भीतर जो घटित होता है वो थोड़ी देर के लिए हमें बहुत कठिनाइयाँ देता है। लेकिन ध्यान और ज्ञान, जब हम जीवन में इसको लेके चलते हैं, तो फिर हम उन कठिनाइयों से पार हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अध्यात्म की राह पर चलने के लिए ध्यान जो है वो सबसे पहला स्टेप रहेगा? मुझे लगता है कि ध्यान के बिना तो गति ही नहीं है। जब तक ध्यान ही नहीं है जीवन में, तब तक हम अपनी ही प्रवृत्तियों से और अपनी ही उन संस्कारों से जो हमें बुरी आदतों की तरफ फोर्स करते हैं, उनसे हम बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि मेडिटेशन ही उनको एक डाइल्यूट करता है, उनसे हमें छुटकारा दिलाता है। तो मोक्षा जी, हमारा जो मन है वो इतना चंचल होता है कि अगर मैं यहाँ बैठी भी हूँ तो शायद मैं पूरी दुनिया घूम सकती हूँ अपने मन से। तो ऐसे में ध्यान लगाना, अपने चंचल मन को एकाग्र करना, ये कितना मुश्किल रहेगा एक आम इंसान के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए? हाँ जी, अगर ध्यान की टेक्निक को हम समझें, तो सबसे पहले शुरू में तो हमें मन को खुला छोड़ देना पड़ेगा कि जहाँ जाना है वो जाए। अच्छा, जहाँ भी। ओके, क्योंकि वो एक, उसकी भी एक लिमिटेशन है, जितना हम जानते हैं उससे तो बाहर नहीं जा सकता, जो हमने अनुभव किया है जीवन का, तो उसको जाने दो। आप देखो धीरे धीरे वो फिर वापस आना शुरू हो जाता है, और फिर एक समय पे आकर टिकना शुरू हो जाता है। उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है? हाँ, आपको उसके लिए प्रैक्टिस, अपना विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, ये सब लेके चलना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल से बंदे को अगर हम मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, तो जैसे हम आज टीवी चैनल पे हैं और हमारे को दर्शक देख रहे हैं, तो वो भी ये जानना चाहेंगे कि अगर वो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान साधना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा उनका ध्यान के लिए सिर्फ? हाँ, सबसे पहले तो उनको अपने साथ बैठना शुरू करना पड़ेगा एकांत में, नहीं तो आप देखो कि बहुत मुश्किल होती है लोगों को अपने साथ ही बैठने में, क्योंकि पूरा जीवन उनका ध्यान बाहर लोगों पे रहा है, उनसे कुछ पाने में रहा है, तो जब भी वो अकेलापन उनको खलता है तो वो भागते हैं कंपनी के लिए, फ़ोन उठा लेते हैं। लेकिन पहली शुरुआत तो अपने साथ बैठना होगा, फिर अपने भीतर झांकने की होती है कि जीवन में मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ, अब कहाँ मुझे अपने जीवन को सुधारना है, वो सारा एक स्कैनिंग अपने अंदर करनी पड़ती है। फिर जैसे जैसे आप उसको करते जाते हो, ध्यान आपको सहयोग देता है, फिर ध्यान आपको धीरे धीरे
टिकाना शुरू कर देता है, आपको ठहराव देना शुरू कर देता है, फिर आप एक शांति आनंद महसूस करने लगते हैं जीवन में थोड़ा थोड़ा। फिर जैसे जैसे आप ध्यान करते जाते हो, फिर और गहरे में आप उसको अच्छा अनुभव करते रहते हो। जैसा कि आपने बताया मोक्षा अजय जी, कि ध्यान और ज्ञान आध्यात्म के सबसे बड़े दो पिलर हैं। हाँ जी। तो आध्यात्म और ध्यान में आने के लिए जर्नी टू मोक्षा जो एक प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, वो कैसे सहायक हो सकता है जो आध्यात्म की राह पर चलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, अगर हमें थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है तो हम टैबलेट से अपने सिर दर्द को दूर कर लेते हैं, लेकिन जहाँ हमें ऑपरेट करवाना पड़ता है तो हमें एक सर्जन की, एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हाँ जी। वैसे ही जब हम अपनी बुरी आदतें, जो प्रवृत्तियाँ हैं हमारी, उनसे जब हम बुरी तरह से स्टक हो जाते हैं, लोग चाहकर भी नहीं उससे निकल पाते, तो उसके लिए फिर हमारा वो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम काम करते हैं, उस पर जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो मेडिटेशंस हैं, उसके थ्रू हम उनको वहाँ से थोड़ा शेक करके हिलाते हैं और फिर उनको एक नई दिशा की ओर हम पुश करते हैं। और फिर अगर वो ध्यान में हमारे साथ चलते रहते हैं तो फिर डेफिनेटली वो जर्नी मेरे जैसी उनकी भी शुरू हो जाएगी, जहाँ मैं हूँ आज वहाँ वो भी आ सकते हैं। तो जर्नी टू मोक्षा, अगर हमारे किसी दर्शक को आपके साथ ज्वाइन करनी हो तो वो कैसे आपके साथ ज्वाइन कर सकते? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जर्नी टू मोक्षा है, और जर्नी टू मोक्षा वेबसाइट भी है, और हमारी एक पूरी टीम है जो इस पे काम करती है, जो असिस्ट भी करती है कोर्सेज को, और लोगों को पूरी डायरेक्शन वो भी देते हैं। तो बहुत से साधन हैं, बस एक बार हमसे कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको वो ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन हमारी फेसबुक पे वो आती रहती है कि कब अब नेक्स्ट कोर्स कब है, वो आना शुरू हो जाएगा। मोक्षा अजय जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी डिप्रेशन में होते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो क्या आपसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं? हाँ जी, वेबसाइट में उसका भी प्रोविज़न है कि वो वन ऑन वन मुझसे बात कर सकते हैं, तो दिस इज़ ओपन प्लेटफॉर्म, वो कैन, दे कैन डू इट। लाइक अगर आपसे कांटेक्ट किया जाता है तो वो आपसे डायरेक्ट काउंसलिंग करा सकते हैं? हाँ जी, मेरे से सीधी भी बात हो सकती है, मेरे कुछ जो नंबर नीचे दिए गए हैं उन पे वो बात कर ले, उनसे बात हो जाएगी। मोक्षा अजय जी, जैसे आपने कहा कि आप वन टू वन काउंसलिंग करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो यूथ है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारे जीवन की वो सोचते व्यर्थता ख़त्म हो गई, अब हमारी ज़रूरत नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आती है स्पेशली यूथ को, जो बहुत जल्दी वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसके लिए हाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत यूथ को ही है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि जीवन से तो ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल। आज अगर हम असफल हुए हैं तो डजंट मीन कि हम जीवन में हमेशा ही असफल होते रहेंगे, और वैसे भी अगर जीवन में सफलता बहुत इजी मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो असफलता तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, इसीलिए यूथ को आज ज़रूरत है एक सही डायरेक्शन की, काउंसलिंग की, कि वो उनको कोई चाहिए जो उनको सुने, उनको गाइड कर सके, तो इसके लिए भी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ हमेशा इस पे काम करने के लिए, और ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं इस पे। ओके, तो अभी तक जर्नी टू मोक्षा में आपके साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं? हाँ, बहुत से लोगों को जुड़ते जा रहे हैं, और बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं जो अपने जीवन की प्रॉब्लम्स भी मेरे से शेयर करते हैं, और मेडिटेशन की गाइडलाइन भी मेरे से लेते रहते हैं, तो अब मुझे तो ये लगता है कि अब जब तक मेरा जीवन है, मेरी सांस में सांस है, मुझे तो अब यही करना है कि इसी सेवा में, कि लोगों को उनकी नेगेटिविटी से बाहर निकाल कर जीवन के जो सही मायने हैं, जीवन को कैसे जिया जाता है, उस तरफ लेके चल रहा है। तो क्या यूथ इतनी जल्दी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है मेडिटेशन, क्योंकि उनमें ठहराव बहुत कम होता है? जितना अगर हम इस एज में मेडिटेशन को अपना लें, नॉलेज को अपना लें, क्योंकि हम उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल एकदम चरम सीमा पे है, तो वो अगर सही डायरेक्शन उसको दे दी जाए तो फिर उससे बढ़िया और कोई बात नहीं। तो मतलब
शुरुआत अगर मेडिटेशन की करनी है, आध्यात्म की तरफ करनी है, तो छोटी एज में करनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब हम लोग लेट हो गए हैं। मैं कहता हूँ मैं भी लेट हो गया हूँ, अगर यही मैं बहुत पहले आ गया होता तो फाइन, वो उसकी मर्जी है, जब उसने लेके आना जो उसने करवाना है। लेकिन हाँ, जितना जल्दी हो सके इस अध्यात्म के मार्ग में आ जाना चाहिए, ध्यान के मार्ग में, क्योंकि उससे ये है कि जीवन में जब आप भीतर सेटल्ड हैं, केंद्रित हैं, तो आप बाहर जो भी करोगे आपके वो डिसीजन इतने परफेक्ट होंगे कि उसका रिजल्ट 99% फ्रूटफुल ही आएगा। ओके। अगर हम अग्रेसिव होकर या एंजाइटी में कोई भी डिसीजन लेते हैं, फिर उसका परिणाम भी वैसे ही आता है। वही जब हम पीस ऑफ माइंड में रहकर अपने डिसीजन लेते हैं, आप देखो, आप अपने भी अनुभव से देख सकते हैं, जब आपने ऐसे डिसीजन लिए होंगे तो फिर उसका क्या रिजल्ट आता है। ऑब्वियसली नेगेटिव ही रहता है जब हम एंजाइटी में लेते हैं, और वैसा हाँ, रहता है वो नेगेटिव रहता है, और उससे आप भी परेशान होते हैं और आपके आसपास वाले लोग भी परेशान होते हैं। बिल्कुल। तो जो गृहस्थ आश्रम में है, ऑब्वियसली चलिए यूथ के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ज्वाइन कर सकता है, अपने मन चंचल मन को पकड़ सकता है, पर जो गृहस्थ आश्रम है उनके पास परिवार की बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। ऐसे में आध्यात्म क्या उनको उनके परिवार से दूर कर देगा? नहीं, बल्कि ऑपोजिट है, अध्यात्म उनको उनके और पास ले आएगा, क्योंकि जब वो अपने जीवन का मूल्य समझने लगते हैं तो फिर वो अपने आसपास के लोगों का मूल्य भी समझने लगते हैं। जब उनको अपनी भावनाओं की कदर होनी शुरू होती है, अपने से प्रेम करने लगते हैं, फिर वो उनको दूसरों की भावनाओं की भी कदर आती है, दूसरे भी प्रेम चाहते हैं, दूसरे भी प्रेम करते हैं, फिर वो और गहरे में उसको देख सकता है। ओके, मतलब गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, गृहस्थों के लिए तो ये कह सकते हो कि रामबाण है। अच्छा। कि अगर वो अध्यात्म को भी साथ लेके चलते हैं तो फिर कोई कला क्लेश, जो जैसे ग्रह क्लेश चलते हैं या आपस में खींचातानी होती है, कंपेटिबिलिटी नहीं होती, सब होनी शुरू हो जाती है। बल्कि तो इसके लिए आपके पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि एक अगर पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है तो दूसरे वाला अनकंफर्टेबल फील करता है कि यार ये इसी में ही बिजी रहता है। विनीता जी, एक बात बताइए, जो आपके पास होगा वही आप दूसरों को दे सकते हैं ना? बिल्कुल। अगर मेरे पास खुशी नहीं है, मैं ही खुश नहीं हूँ, मैं ही शांति में नहीं हूँ, तो मैं वो खुशी कैसे दे दूंगा दूसरों को, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं है। वहीं पहले तो मैं अपने पर लेकर आऊँगा, जब मेरे पास आ जाएगी मेरे पार्टनर के पास भी अपने आप ही चली जाएगी मेरे से। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है बल्कि, कि हम दूसरों को भी सम्मान तभी दे सकते हैं, प्रेम तभी दे सकते हैं, जब हम सही मूल्यों को जान पाते हैं। बिल्कुल। मतलब मोक्षाचार्य जी हमें बता रहे हैं कि अगर हम आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे पास से जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है, और हम सामने वाले को भी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और उससे हमारा बॉन्डिंग जो होती है वो और स्ट्रांग होती है। तो गृहस्थ आश्रम वाले भी आध्यात्म के मार्ग पर चल सकते हैं यूथ के साथ साथ। मोक्षाचार्य जी हमें बताइए कि जो घर में एक बड़े बुजुर्गों का एक रौब रहता है, जिसकी वजह से जो छोटे हैं और उनमें आपस में बड़ी खींचातानी सी रहती है, ग्रह कलेश टाइप का जो रहता है, तो उसमें मेडिटेशन आध्यात्म कैसे हेल्प कर सकता है? नहीं, सबसे पहले तो वहाँ जो छोटे हैं उनको अपनी ईगो को साइड पे रखना होगा, उनको बड़ों को वो सम्मान वो देना होगा कि हाँ दे आर राइट। वो चाहे कहीं ना कहीं मैचिंग ना भी हो उनके साथ, लेकिन उनको इतना ही सम्मान दे देना कि ठीक है दे आर राइट। पहले तो उनको जो माहौल है घर का वो बिल्कुल शांत सहज रखना है। तो उसके बाद फिर जब वो एक आपस में उनके सहयोग हो जाता है, फिर वो कैसे भी प्रेम से उनको मोल्ड कर सकते हैं, फिर अध्यात्म के रास्ते पे चाहे खुद के साथ साथ उनको भी लेके आ सकते हैं। लेकिन खींचातानी से ये नहीं आ पाएगा, सबसे पहले किसी एक को तो अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। बड़ों को लगता है हम एक्सपीरियंस है, हम समझदार हैं। देखो, बड़ों को तो है ही है, और उनको उनको रहने भी देना चाहिए, उनको एहसास भी करवाते रहना चाहिए कि हाँ वो समझदार हैं, क्योंकि अगर उनको इससे खुशी मिलती है तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उनको दे देनी चाहिए खुशी। वैसे भी सिर्फ जीवन में खुशी अपने लिए ही नहीं रखनी चाहिए, खुशी हमेशा दूसरों को बांटने से ही होती है, और जितना हम दूसरों को बांटते हैं खुशी हमें और हमारे पास आती है। मोक्षा अजय जी, जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन से भीतर तो शांति आती है, साथ में घर में भी शांति होती है, एक दूसरे से टकराव कम होता है क्योंकि हम भीतर से शांत होते हैं, तो अगर हम इससे एक स्टेप और आगे जाएं तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि जैसे जैसे हम ध्यान में अध्यात्म में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ऑरा भी पॉजिटिव होता जाता है। आप किसी भी बहुत जो डीप मेडिटेशन करने वाले हैं उनको देख के ही आपको एक शांति सी महसूस होगी। अगर आपका ऑरा जितना बड़ा होता जाता है, शांतिमय होता जाता है, तो आपके ऑरा में ही लोग आकर शांत होना शुरू हो जाते हैं, आपको कुछ कहने बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप है जिसमें आप और बढ़ाते जा सकते हैं, इसको अपने ऑरा को और बड़ा करते जा सकते हैं। मोक्षा अजय जी, आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे मेडिटेशन के लिए स्पेशली? हाँ जी वनीता जी, मैं सभी दर्शकों को मेडिटेशन के साथ साथ एक जीवन का भी संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपनी स्वार्थ और लालसा के एवज में हम कुछ भी ऐसा करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो, दुख हो, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए रोया जा सके, गिड़गिड़ाया जा सके, भागा जा सके, अपने जीवन को अस्त व्यस्त किया जा सके, क्योंकि जीवन की सच्चाई तो हम सबके साथ चल ही रही है कि एक दिन इस जीवन को समाप्त भी होना है। तो जो भी हम इस संसार में इकट्ठा करेंगे वो हमें यहीं पे छोड़कर जाना है, और मेडिटेशन के लिए अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर थोड़ा अपने भीतर की दुनिया में हमें लाना होगा, क्योंकि जो एकांत हम अपने भीतर जितना लाते जाएंगे उतना ही हम अपने भीतर और अध्यात्म को मजबूत करते जाएंगे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, ये अनुभव किया है कि लोगों का ध्यान बाहर की दुनिया में है, लोगों पे है कि कोई मुझे कुछ बना दे, मैं तो अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, वो ये चाहता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जाएं। तो जीवन में हम ध्यान और एक ज्ञान को जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक जीवन हमारा संपूर्ण नहीं है। मोक्षा अजय जी, हमें आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इस विषय पर चर्चा करके आध्यात्म की राह पर आप इतनी आगे आ गए हैं और जर्नी टू मोक्षा से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनके डिप्रेशन से निकालने में, उनको आध्यात्म की राह पर चलाने के लिए, और आगे भी हम आपसे इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वनीता जी, और ये तो मेरा सब्जेक्ट है कह सकते हैं जीवन का, यही मेरा मार्ग है, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी जब भी आप मुझे कुछ भी इसके बारे में मेरे से चर्चा करना चाहेंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम आध्यात्म के मार्ग पर एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, और इस आध्यात्म के पथ पर हमारे पथ प्रदर्शक रहेंगे मोक्षा अजय जी। मुझे पूरी आशा है कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे, हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपके सवाल भी उनसे पूछेंगे और उनका क्या जवाब रहेगा, ताकि आपकी उलझन भी सुलझ जाए। तब तक के लिए नमस्कार।